आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है, उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी, ये वो लोग जो मशहूर है, ये है नामी गिरामी। He could go 12 right now, Gino. He looks in fantastic condition. दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक है बॉक्सिंग। कहते हैं ब्रॉन्ज एज में 1650 ईस्वी की मिनोआई सभ्यता में सबसे पहले इसके प्रमाण मिले थे। बाद में ये खेल जब ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ तो इसे लोकप्रियता मिली, लेकिन 20वीं सदी में 60-70 के दशक के लोग या उसकी बाद की पीढ़ी अगर इस खेल को जानती है तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम की वजह से, और वो है मोहम्मद अली, इस खेल का बेताज बादशाह, जिसकी फुर्ती देखकर रिंग में प्रतिद्वंदी और बाहर दर्शक दोनों भौचक्के रह जाते थे। 3 बार के हैवीवेट चैंपियन जिन्हें अपने अपने हिसाब से लोगों ने उपमाएं दी। कोई उन्हें डांसिंग मास्टर कहता था तो कोई उन्हें रिंग मजीशियन कहकर पुकारता था, पर वो खुद को ग्रेटेस्ट कहते थे, जो वो थे भी, और आज भी बड़े अदब के साथ उनका नाम लिया जाता है, द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली। नमस्कार, आज तक रेडियो पर नामी गिरामी सुन रहे हैं आप, और मैं अमन गुप्ता आज आपको सुनाऊंगा कहानी दुनिया के सबसे तेज तर्रार बॉक्सर, अमेरिका में अश्वेत लोगों की बुलंद आवाज और हर दिल अजीज, द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली की। 25 फरवरी 1964 का दिन, फ्लोरिडा में एक बॉक्सिंग मैच चल रहा था। उस समय के हैवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन के सामने खड़ा था एक 22 साल का ब्लैक युवक, नाम था कैसियस मर्सेलस क्ले। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 22 साल का ये लड़का हैवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन को हरा देगा, लेकिन इस लड़के ने सोनी लिस्टन को हरा दिया। 22 साल का यही कैसियस के लिए आगे चलकर मोहम्मद अली के नाम से जाना गया। तो क्रिश्चियन नाम से उन्होंने एक मुस्लिम नाम क्यों रखा, इसकी कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी 22 साल पहले चलते हैं जब कैसियस के लिए यानी मोहम्मद अली पैदा हुए थे। साल था 1942, तारीख 17 जनवरी, जगह लुइसविले केंटकी अमेरिका। अली जिस वक्त पैदा हुए वो समय अमेरिका में अश्वेतों के लिए सही नहीं था, उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था, उनके लिए उतने मौके नहीं थे जितने किसी श्वेत नागरिक के लिए होते थे। अली जब 12 साल के हुए तो उनके लिए एक घटना ने बॉक्सर बनने का रास्ता खोल दिया। क्या था वो किस्सा, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सूरज पांडे से सुनिए। एक दिन उनकी साइकिल चोरी हो गई मोहम्मद अली की, तो साइकिल चोरी हुई तो वो थाने गए, जैसा कि हर कोई जाता है, रिपोर्ट लिखाने गए, तो वहाँ एक जॉय मार्टिन नाम के पुलिस वाले से उनकी मुलाकात हुई। अब जॉय जो है था वो बॉक्सर्स को ट्रेन करता था, उसने देखा इनको अली को, अली चूंकि लंबे चौड़े थे और कदकाठी भी अच्छी थी उनकी और वेट वगैरह भी ठीक था, तो जॉय मार्टिन ने कहा कि भाई कहाँ पुलिस थाने के चक्कर में मत पड़ो, और जैसी तुम्हारी लंबाई चौड़ाई है तुम्हें तो खुद ही उसे पीट देना चाहिए था। तो इसके बाद मार्टिन ने उनकी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू करवाई, और 12 साल की ही उम्र में और 1954 के इसी साल में मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग रिंग में पहला कदम रखा और स्थानीय स्तर पर एक मुकाबला जीत लिया। फिर धीरे धीरे मोहम्मद अली कई कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते रहे और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते गए। साल 1956 में गोल्डन ग्लव्स चैंपियनशिप में उन्होंने मेडल जीता, और उसके 3 साल बाद ही मोहम्मद अली नेशनल गोल्डन ग्लव्स ऑफ चैंपियन का खिताब जीत गए। इसके बाद मोहम्मद अली ने एथलेटिक्स एसोसिएशन कंपटीशन में हिस्सा लिया और इसमें उन्होंने नेशनल टाइटल का खिताब अपने नाम किया। लेकिन सबसे रोमांचक रहा 1964 का उनका वो मैच जिसमें उन्होंने हैवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था, और सबसे कम उम्र में ये कारनामा करने वाले वो पहले बॉक्सर बने थे। लेकिन इस मैच के फौरन बाद उन्होंने अपना जन्म नाम कैसियस क्ले छोड़कर एक नया नाम, एक नया धर्म अपनाने की घोषणा कर दी, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका नाम कैसियस क्ले
श्वेत लोगों और क्रिश्चियन धर्म के लोगों की नुमाइंदगी करता है जो उनके समुदाय पर अत्याचार करते थे। साथ ही वो अमेरिका के मुस्लिम धार्मिक संगठन नेशन ऑफ इस्लाम और उनके नेता मेलकम एक्स से बहुत प्रभावित थे, सो उन्होंने धर्म के साथ अपना नाम भी बदल लिया। लेकिन इसके बाद अमेरिका मोहम्मद अली के इस फैसले पर दो फाड़ हो गया। उन्हें ऐसे लोगों तक का गुस्सा झेलना पड़ा जिनका बॉक्सिंग से कोई लेना देना नहीं था। बहुत लोगों ने उनके नाम और धर्म छोड़ने को उस अमेरिकन पहचान से गद्दारी माना जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया था। उनकी नई पहचान को अमेरिकी और यूरोपियन समुदाय का एक बड़ा हिस्सा स्वीकार करने को तैयार नहीं था, और यही वजह है कि खेल के जर्नल और पत्रिकाओं में लंबे समय तक उनका नाम कैसियस क्ले ही छपता रहा। लेकिन इस पुराने नाम से अली को बहुत नफरत थी। उनके प्रतिद्वंदी कई बार उन्हें पुराने नाम से बुलाकर चिढ़ाने की कोशिश करते थे। एक बार मैच से पहले अमेरिका के ही एक बॉक्सर अर्नी टेरेल ने उन्हें उनके पुराने नाम से बुलाया, और फिर उसका क्या अंजाम हुआ उस बारे में सूरज पांडे बताते हैं। 1967 की बात है, उनकी 28वीं प्रोफेशनल फाइट थी, 27-0 से, मतलब कभी हारे ही नहीं थे वो 27 मैचों में, और अर्नी टेरेल से मुकाबला था। अर्नी टेरेल उस समय WBA के हैवीवेट चैंपियन थे, और उसके बाद ये इसी मैच का बिल्डअप चल रहा था, और बिल्डअप के लिए जो है, चूंकि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है उसके बाद मैच होता है, उस टाइम ऐसे एक इंटरव्यू चल रहा था ABC के स्टूडियो में, और वहाँ किसी बातचीत के दौरान टेरेल ने कैसियस क्ले बोल दिया अली को, तो अली ने बीच में उनको टोका कि भाई मुझे मत बुलाओ, क्योंकि बाकी जब सब लोग मुझे मोहम्मद अली कह रहे हैं तो तुम, जो कि तुम भी ब्लैक ही हो और जानते हो मैंने क्यों अपना नाम बदला, क्यों अपना धर्म बदला, उसके बाद भी मुझे कैसियस क्ले क्यों कह रहे हो। तो जवाब में टेरेल ने फिर से उनको एक बार फिर से टीज कर दिया। उन्होंने कहा कि मतलब बाकी लोग तुमसे लड़ने वाले नहीं है, मैं लड़ने वाला हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें जो नाम पसंद आएगा उससे बुलाऊंगा। अर्नी ने यहाँ तक कह दिया कि तुमने कुछ दिन पहले मुझे अपना नाम कैसियस क्ले बताया था, और जवाब में मोहम्मद अली और भड़क गए क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो उन्होंने सीधे कहा कि भाई देख, मैंने तुझे कैसियस क्ले अपना नाम कभी नहीं बताया, मेरा नाम मोहम्मद अली है, और तुमने अगर अभी ये नहीं लिया, यानी मुझे इस नाम से नहीं बुलाया, तो इस लड़ाई के बाद तुम रिंग में खड़े होकर ये नाम चिल्लाओगे। और उसके बाद भाई साहब कैमरे पर ही ऑलमोस्ट मारपीट की नौबत आ गई। लेकिन फिर उस टाइम तो ये कहा गया कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और ऐसा भीड़ बढ़ाने के लिए किया गया है जो कुछ भी हुआ। लेकिन 6 फरवरी 1967 को जब ये मैच हुआ 37,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में, तो अली ने इतना मारा टेरेल को, 6-7 राउंड तक तो ठीक ठाक मुकाबला चला, लेकिन उसके बाद जब पिटाई शुरू हुई तो उसके बाद हर मुक्के के बाद अली चिल्ला रहे थे व्हाट्स माय नेम, और उसके बाद पूरी तरह से एक तरफा हो गया 7वें राउंड के बाद ये मैच, और हर मुक्का मारे अंकल टॉम कह के भी बुलाया उनको, अंकल टॉम कह के चिढ़ाते थे उनको क्योंकि वो वहाँ उनकी उम्र ज्यादा थी मोहम्मद अली से, तो इन इतना मारा, आंखें सूज कर बंद हो गई, पूरी रिंग में खून हो गया। अली उसके बाद भी नहीं रुके, मारे जा रहे थे और साथ में चिल्ला भी रहे थे व्हाट्स माय नेम, उधर दर्शक भी उत्तेजित हो गए, वो सब किल हिम के नारे लगाने लगे। ऑलमोस्ट 15 राउंड तक ये फाइट चली, और 13वें-14वें राउंड में तो टेरेल की आँख की जाँच भी करानी पड़ी ये देखने के लिए कि उनको मतलब मुकाबले के लिए फिट है या नहीं। और मुझे लगता है कि ये जब मुकाबला खत्म हुआ तो घायल आँख, जो उनकी आँख घायल हुई थी अर्नी की, उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ही वो रिंग पर लौट पाए। लेकिन उसके बाद एक तरह से उनका करियर खत्म हो गया, वो दोबारा कभी चैंपियन नहीं बन पाए। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन टेरेल को पस्त करने के इसी 1967 के साल में अली की जिंदगी में एक यूटर्न आया। उन्होंने अमेरिका के वियतनाम से युद्ध का विरोध किया और अमेरिकी सेना का हिस्सा बनने से मना कर दिया। सरकारी आदेश की नाफरमानी के कारण अली के सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब छीन लिए गए, उन पर बैन लगा दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। फिर 1970 में उनकी अपील पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह बैन हटाया, लेकिन वो अपने बहुत ही कीमती 3 साल सलाखों के पीछे गवा चुके थे जो उनके करियर के सबसे चमकदार साल हो सकते थे, लेकिन हिस्से में आया अंधकार। 1971 में जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक बार फिर रिंग में वापसी की। द रिंग वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल का मुकाबला था। अली के सामने जोसेफ विलियम फ्रेजर थे। पहला राउंड, दूसरा राउंड और 14 राउंड हो गए। दोनों में से कोई बॉक्सर हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन 15वां राउंड पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। एक के बाद एक 31 फाइट जीतने वाले मोहम्मद अली रिंग में पहली बार चित हो गए। Up to that point, Ali had made a strong comeback. There he goes down on his back. He made a strong comeback from his knockdown. ये मुकाबला बॉक्सिंग के इतिहास में
फाइट ऑफ द सेंचुरी के नाम से मशहूर है। लेकिन जल्द ही अली फिर से जीत की राह पर लौटे और उसके बाद से कभी भी पीछे ना देखते हुए बॉक्सिंग में अपनी बादशाहत कायम की। उन्होंने अपने पूरे बॉक्सिंग करियर में 61 फाइट लड़ी, उनमें से 56 में जीत हासिल की और सिर्फ 5 में हार मिली। 1980 में एक बार वो भारत भी आए थे तो उनको आमने सामने से देखने के अपने बचपन के मजेदार किस्से को वरिष्ठ खेल पत्रकार नॉरिस प्रीतम याद करते हैं। देखिए, हम सब जो उस एरा के लोग थे 70s के और 60s के, हम सबको मोहम्मद अली एक बहुत बड़ा नाम, कैशियस क्ले, जिसको कोई भी घूंसा मारता था तो कहते थे अपने आप को क्या मोहम्मद अली समझता है। तो और ये सब था। और 1980 की बात है कि मैं एक दिल्ली का एथलीट था और हम नेशनल स्टेडियम में रोज प्रैक्टिस के लिए जाते थे। तो एक शाम को हमने देखा वहाँ पे राजीव गांधी आए, और उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे लेकिन वो आए, और उनको बड़ी वो थी, वो खेलों में बड़ा रुचि रखते थे और वहाँ स्टेज वगैरह बन रहा था। तो हमने अपनी प्रैक्टिस रख के पूछा कुछ लोगों से कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि अभी 3-4 दिन के बाद मोहम्मद अली यहाँ पे एग्जीबिशन बाउट के लिए आएंगे। तो हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हम तो मतलब पागल हो गए बिल्कुल सब लोग कि मोहम्मद अली, जिनका नाम सुन सुन के हम बड़े हुए, वो आएंगे यहाँ पे। तो खैर, बहरहाल उनकी एग्जीबिशन मैच हुआ वहाँ पे, और उस वक्त इंडिया के जो हैवी वेट चैंपियन थे कौर सिंह, उससे उनकी बाउट होनी थी, एग्जीबिशन बाउट थी। और तो हम सब स्टेज पे खड़े हुए थे वहां पे, और हम स्टेज के मतलब चारों तरफ, जो हम क्योंकि एथलीट थे, सिक्योरिटी वालों ने हमें वहां पे अलाउ कर दिया था खड़े होकर देखने के लिए। तो मेरे साथ एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था, रनर था, वो भी शायद 10-12 साल का रहा होगा, मेरे से छोटा था। उसने कहा, भैया ये तो क्या है, तो काला बिल्कुल स्टील का लग रहा है, ब्लैक स्टील का, ये तो आदमी तो लग ही नहीं रहा, इंसान तो लग ही नहीं रही। तो मैंने भी कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं है, इंसान ही है ये। फिर भी हम स्टेज पे चढ़े, और पता नहीं मुझे उस वक्त क्या सूझा, मैंने उस बच्चे को दिखाने के लिए उनकी पसलियों में ऐसे उंगली मार दी। तो मैंने कहा, देखो देखो ये तो उन्होंने ऐसे हवा में एक मुक्का घुमाया, और लेकिन उनको मालूम था मुझे मारना नहीं था, तो मजाक में किया था, लेकिन अगर वो मुक्का मेरे पड़ जाता तो मेरे ख्याल में आज आपसे बात नहीं कर रहा होता। अली 6'3" के थे, लंबे हाथों के साथ उनकी 82 इंच की लॉन्ग जैब उन्हें अपने समय का सबसे खतरनाक मुक्केबाज बनाती थी। उन्हें दी ऑक्टोपस के नाम से जाना जाता था। वो रिंग में ऐसे उछल कूद करते थे जैसे नाच रहे हों, और रिंग में उनकी स्पीड का एक रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड एक और था, अमेरिका की जानी मानी टाइम मैगजीन के कवर पर 5 बार फीचर होने का रिकॉर्ड। उस समय ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं था जिसकी टाइम मैगजीन के कवर पर 5 बार फोटो आई हो। इसके बावजूद वो बहुत ही जमीनी और हरफन मौला थे, कभी उन्होंने किसी को ऑटोग्राफ के लिए मना नहीं किया। उनके सम्मान में गाने लिखे गए, और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो खुद भी गाना गाते थे। 1963 में उनका एक गाना आया था स्टैंड बाई मी, बहुत चर्चित हुआ था। मोहम्मद अली की शख्सियत ऐसी थी कि हर कोई उनकी सुनता था, उनकी बात मानता था, यहां तक कि इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन भी। एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि 1990 में कुवैत पर हमला करके सद्दाम ने 2000 से ज्यादा विदेशियों को बंधक बना लिया था। इन बंधकों में अमेरिका के लोग भी थे, और इन्हीं बंधकों को छुड़ाने के लिए मोहम्मद अली सद्दाम से बातचीत करने के लिए बगदाद पहुंचे थे। बड़े बड़े नेता इससे पहले सद्दाम से बातचीत कर चुके थे, लेकिन सब बेनतीजा रहा। लेकिन जैसे ही अली यहां पहुंचे तो 50 मिनट की बातचीत के अंदर ही मामला सुलट गया, और सद्दाम ने 15 अमेरिकी बंधकों को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक आत्महत्या करने जा रहे युवक को भी समझाया था, जिसे पुलिस समझाने में हार मान गई थी। तो अली न सिर्फ एक बेहतर एथलीट थे बल्कि एक शानदार इंसान और एक शानदार लीडर भी थे। उन्होंने करीब 3 दशक का समय रिंग में बिताया, ढेरों मुकाबले जीते, ढेरों टाइटल जीते, और फिर 1981 में वो आखिरी बार बॉक्सिंग रिंग में उतरे और उन्हें ट्रेवर बारबेक ने हरा दिया। 4th बार वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का खिताब जीतने से चूक गए, और इस हार से निराश होने के बाद मोहम्मद अली ने मुक्केबाजी करियर से संन्यास ले लिया। संन्यास के बाद मोहम्मद अली समाज की सेवा में लग गए। साल 1984 में मोहम्मद अली पार्किंसन की बीमारी का शिकार हो गए, फिर उसके बाद वो कम ही दिखते थे। इस बीमारी से मोहम्मद अली की बॉडी में भयंकर कंपन होने लग गया था। लेकिन 1966 में अटलांटा ओलंपिक में मोहम्मद अली जब ओलंपिक मशाल को रोशन करने के लिए आए,
तो वो पल सभी के लिए भावुक कर देने वाला था। अटलांटा में भी मुझे उनको थोड़ा करीब से देखने का मौका मिला, क्योंकि 1996 में अटलांटा में ओलंपिक गेम्स से मैं उनको कवर करने गया था। और अमूमन ये होता है जब ओपनिंग सेरेमनी होती है तो उसमें जो पहली मशाल जो लेके आदमी आता है आखिर में आता है जलाने के लिए, उसका नाम बताया नहीं जाता, वो एक सीक्रेट होता है। उसमें हमेशा कोई बड़ा कोई पर्सनैलिटी हो सकती है, उसमें एथलीट हो सकता है, जिमनास्टिक वाला हो सकता है, चाहे खिलाड़ी ना हो कोई और भी हो सकता है। तो हम तरह तरह की अटकलें सब प्रेस बॉक्स में बैठ के लगा रहे थे, 8-10 हम भारतीय पत्रकार थे और अमेरिकन थे हमारे साथ, जर्मन थे, और हम सब इधर के उधर के अमेरिकन खिलाड़ियों के नाम ले रहे थे। और जितने भी थे 20-25-30 हम लोग आसपास बैठे थे जो बातें कर रहे थे, उसमें हैरानी की बात है किसी ने भी मोहम्मद अली का नाम नहीं लिया, किसी ने सोचा ही नहीं कि मोहम्मद अली भी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त उनको पार्किंसन डिजीज हो चुकी थी, हमें लगा था उनका नाम कोई लेने का फायदा नहीं है। लेकिन सारा स्टेडियम रात को उस वक्त 6:30 अटलांटा में बज रहे होंगे, 7 बज रहे होंगे, अंधेरा हुआ, और एक जगह से जहां से फ्लेम उठनी थी जिस आदमी ने आखिरी रनर ने आना था, सिर्फ वहां एक स्पॉटलाइट थी, बाकी सारा अंधेरा था। और उसमें धीरे धीरे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से एक हमें फ्लेम दिखी उठती हुई, और अचानक सबने देखा ऊपर जैसे ही मोहम्मद अली आया, सब ओ अली ऐसे करके हम सब चिल्ला पड़े। उनका लेफ्ट हैंड जो था वो पार्किंसन डिजीज की वजह से हिल रहा था, और राइट में वो मशाल लेके ऊपर उठते हुए आए। और ये देखिए कि मैं सोचा था कि मैं ही शायद कमजोर दिल का हूँ, मैं थोड़ा आंखें बचा रहा था इधर देखने, बट मैंने देखा अमेरिकन जर्मन हम सब की आंखों में आंसू थे, कह लीजिए खुशी के आंसू थे, देख के कि हमने जिनको हमारे हीरो हैं पूरी दुनिया के, जो 20वीं सदी के सबसे महान हस्ती मानी जाती है, उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरा उनके साथ एक दूसरा जो कभी मैं भूल नहीं सकता वो वाला उनके साथ मेरा एक इंसिडेंट था। ये मोहम्मद अली पार्किंसन के इलाज के लिए एक पार्किंसन सेंटर बनाना चाहते थे। उन्होंने मैक्सिको मोरक्को समेत कई देशों में घूम घूम कर जरूरतमंदों की सहायता की, गरीब समुदायों के बीच शांति कायम करने और गरीबी को दूर करने के लिए काम किया। अली के इन्हीं कामों को देखकर यूनाइटेड नेशन ने उन्हें 1998 में मैसेंजर ऑफ पीस का टाइटल दिया। 2005 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मोहम्मद अली को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान दिया। कई देशों और संस्थाओं ने उनका नाम सदी के सबसे महान खिलाड़ी और मुक्केबाज के तौर पर दर्ज किया। लेकिन 3 जून 2016 को मोहम्मद अली ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मोहम्मद अली के जाने के बाद उनकी विरासत को उनकी बेटी लैला अली ने संभाला, और वो 24 मुकाबले लड़कर कभी ना हारने वाली बॉक्सर के रूप में रिटायर हुई, और अब उनके नाती निको अली वाल्श इसे संभाल रहे हैं। आज भी बॉक्सिंग में आने वाले सभी एथलीट मोहम्मद अली को अपनी प्रेरणा मानते हैं और उनके सामने झुक कर सलाम करते हैं। तो आज नामी ग्रामी की इस पेशकश में इतना ही। ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा radio@aajtak.com पर। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की हमारे साथी अमृत रेगी ने। अब इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसा है खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं है। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से, आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और सारी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।